हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BASF इंडिया के स्टॉक के बारे में। पिछले एक साल में स्टॉक में लगभग 164% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। बहुत बार हमने जो है इस पर एनालिसिस किया है, फिर से स्टॉक में जो है यहाँ से बाउंस ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसे वन डे टाइम फ्रेम में सेट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 6,250 से लेके ऑलमोस्ट 6,450 का एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। स्टॉक मल्टीपल टाइम यहीं से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था, फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला, फ्रेश 52-week हाई लग चुका है। फिर फॉल देखने के बाद यहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक में फिर से ऊपर की ओर तेजी अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी स्टॉक में फर्दर यहाँ पे तेजी अगेन अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो 7,600 से लेके 8,000 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है तो फर्दर और भी काफ़ी अच्छी तेजी हमें अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर आप पहले से स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं टिकर टाइप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस इसकी हमें एवरेज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई देखने को मिल रहा है और ग्रोथ जो है लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर टाइप वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि मॉडरेट नंबर्स ऑफ रेड फ्लैग देखने को मिल रहे हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ही स्टॉक में हमें एंट्री का प्लान करना जिसमें रेड फ्लैग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप 28,870 CR का है, स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। वन एनालिस्ट हमें 0% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि अच्छी खासी सलाह, हम इसे नहीं कंसीडर कर पाते, ठीक है। पीयर्स की बात करेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्री, SRF, PI इंडस्ट्रीज में कंपैरिजन हो जाता है। और प्राइस कंपैरिजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर वाइज स्टॉक में काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।